नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे फाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेकर आए हैं, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। तो जल्दी से आइए, जिन बच्चों को मैटर लिखना है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैटर शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव बम के द्वारा किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को अंजाम दिया जा सकता है। जैविक हथियारों के द्वारा दूर बैठे बैठे ही एक व्यापक स्तर पर तबाही मचाई जा सकती है। इंटरनेट के रूप में आतंकवादियों को एक शक्तिशाली साधन मिल गया है, जिसके द्वारा ये गोपनीय सरकारी आंकड़ों तक अपनी घुसपैठ बनाकर देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं। पहला चीन। भारत में अनेक स्थानों पर आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में तो आतंकवादी अत्यंत सक्रिय हैं। आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां शासन व्यवस्था पंगु होकर रह गई है। वहां यदि हलचल और सक्रियता दिखाई देती है तो बस आतंकवादियों के घातक कार्यों में, अथवा उन्हें दबाने मिटाने के लिए सुरक्षा बलों और सेना की गतिविधियों में। अब तक इस राज्य में हजारों निर्दोष लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। हजारों परिवार राज्य में अपना सब कुछ छोड़कर देश के अन्य भागों में पलायन कर चुके हैं। कश्मीरी पंडित अपने देश में विस्थापित होकर अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहे हैं। हजारों की संपत्ति लूट चुकी है और प्रतिदिन संपत्ति लूटी जा रही है। लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है। लोग बेकारी और बेरोजगारी से व्याकुल हैं। पर्यटन उद्योग दम तोड़ रहा है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के अनेक घिनौने रूप सामने आ रहे हैं। भोली भाली निर्दोष युवतियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। बलात्कार का आरोप सुरक्षा बलों पर थोपा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। परंतु खेद का विषय है कि आतंकवादियों के मानवता विरोधी क्रूर और नीचतम कार्यों की भर्त्सना वहां के निवासी नहीं करते। पहरा चीन। भारत में अनेक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिनमें हैं 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया, 15 जुलाई 2005 को अयोध्या के राम मंदिर पर हमला हुआ, 25 अगस्त 2007 को आंध्र प्रदेश में बम विस्फोट की घटना हुई, 26 नवंबर 2009 को मुंबई के ताजमहल होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि आतंकवाद की पहुंच कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकती है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आतंकवादियों का लक्ष्य किसी सत्ता तक पहुंचना नहीं, अपितु भारतीय समाज में स्थापित शांति व्यवस्था को भंग करना है, विध्वंस को जन्म देकर लक्ष्य की प्राप्ति ही इनके उन्मादी उत्साह का प्रेरणा स्रोत है। इन आतंकवादियों को इस्लामिक कट्टरपंथ का जामा पहनाकर धार्मिक लड़कों की संज्ञा दी जाती है, जिसे जेहाद कहा जाता है। पैराचीन।
इन घटनाओं के अतिरिक्त भारत में अनेक छोटी बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट, करोल बाग बाज़ार, महरौली, लाल किला तथा बसों में स्टॉप। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस मैटर को बनाइए और फिर अपनी इस मैटर को वीडियो रोक रोक कर कहाँ पर गलती हैं, कितनी आई हैं उसको चेक करिए। और जो इस मैटर को पूरा बनाएगा और इस मैटर को पूरा बनाते समय चेक करेगा और जिसकी गलती 10 या 12 आएगी वो सभी लोग बाग पास होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।